हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करते हैं एमसीए का सर्कुलर आया है कल यानी कि 23rd अगस्त 2023 को, जिसमें दोस्तों एलएलपी के जो फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4 हैं एंड फॉर्म 11 जो एनुअल रिटर्न का है उसको दोस्तों फाइलिंग के रिगार्डिंग रिलैक्सेशन दी गई है। यानी कि दोस्तों अब आप विदाउट लेट फी वो फॉर्म फाइल कर सकते हैं। कब से कब तक का कर सकते हैं, किस में कौन से एसटीपी बेस रहेंगे, कौन सा अप्रूवल मोड है और कब से ये फॉर्म अवेलेबल होंगे, ये सब बातें दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मिनिस्ट्री ने बोला है कि जी हमारे पास काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन आई थी, उनके बेसिस पर दोस्तों उन्होंने फॉर्म 3 एलएलपी एग्रीमेंट एंड चेंजेस देर इन। फॉर्म 3 किसके लिए होता है? एलएलपी एग्रीमेंट जो इनिशियल होता है उसको फाइल करने के लिए, या फिर एलएलपी एग्रीमेंट में दोस्तों किसी भी तरीके का चेंजेज है तो उसके लिए फॉर्म 3 फाइल होता है। और दोस्तों नेक्स्ट फॉर्म है फॉर्म 4। फॉर्म 4 होता है दोस्तों पार्टनर को, मतलब जो डेजिग्नेटेड पार्टनर या नॉर्मल पार्टनर है उनका अपॉइंटमेंट है, रेजिग्नेशन है, ठीक है, चेंज इन नेम है, एड्रेस है, डेजिग्नेशन है, ठीक है, ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनर कंसेंट टू बिकम पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर। और दोस्तों फॉर्म 11 होता है एनुअल रिटर्न ऑफ एलएलपी। तो ये कह रहे हैं कि काफ़ी सारी ऐसी दिक्कत आ रही थी जब से ये एलएलपी के रिगार्डिंग 2022 में 2022 में जब से एलएलपी का V3 पोर्टल लॉन्च हुआ था तो इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो कुछ लोगों के अभी तक फाइल नहीं हुए हैं, या फिर कुछ लोगों के मास्टर डाटा अपडेट नहीं हुए हैं, फाइल हो गया है, या फिर कुछ लोगों के में दिक्कत आ रही थी। तो टू एड्रेस दीज डिफिकल्टीज फेस्ड बाई द LLPs एज पर द गवर्नमेंट कॉन्स्टेंट एफर्ट टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो मिनिस्ट्री ने भैया अंडर सेक्शन 67 इनको पावर मिलती है, तो इन्होंने डिसाइडेड टू ग्रांट वन टाइम रिलैक्सेशन इन एडिशनल फीस टू दोज LLP हु कुड नॉट फाइल फॉर्म 3, फॉर्म 4 एंड फॉर्म 11। मतलब ये वन टाइम रिलैक्सेशन है दोस्तों, केवल उन्हीं LLP के लिए हैं जो फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4 या फॉर्म 11 एप्लीकेबल था लेकिन फाइल नहीं कर पाए। अभी ये फॉर्म 8 के लिए नहीं है, अभी दोस्तों 3, 4 एंड 11 के लिए हैं, ठीक है, विद इन ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट में वो फाइल नहीं कर पाए थे तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो फिर से अपनी फाइलिंग जो है अपडेट कर सकते हैं और मास्टर डाटा में अपनी जो कंप्लाइंस है वो अपडेट कर सकते हैं। कुछ दोस्तों मेन फीचर हैं वो ये हैं, फॉर्म 3 एंड फॉर्म वुड बी प्रोसेस्ड अंडर STP मोड, यानी कि उन्हें सिस्टम ही चेक करेगा अगर जैसे अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन उस चीज़ से रिलेटेड है। लेकिन अगर आपका फॉर्म 3 चेंज इन ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग है, चेंज इन बिजनेस एक्टिविटीज यानी कि चेंज इन ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग है तो दोस्तों वो अप्रूवल मोड में ही जाएगा। और इन्होंने एक एडवाइस ये भी दी है कि आप 1x1 ही करेंगे, यानी कि जो आपका चेंजेस सबसे पहले हुआ था उसका फाइल करेंगे, उसके बाद उसके बाद का चेंजेस करेंगे। तो हमें सिक्वेंसली इन फॉर्म को फाइल करना है जिससे कि सही तरीके से दोस्तों अपडेट हो सके MCA पोर्टल पर। द फाइलिंग फॉर ओल्ड इवेंट्स डेट मे बी फाइल्ड फर्स्ट एंड सोन, यानी कि जो सबसे पहले चेंजेज हुआ है वो सबसे पहले होंगे फीपो बेसिस पे, उसके बाद आगे। द फाइलिंग ऑफ फॉर्म 3 एंड 4 विदाउट एडिशनल फीस शैल बी एप्लीकेबल फॉर द इवेंट डेट 1/1/2021 या उसके बाद में जो भी चेंजेज हैं उसके लिए आप फाइल कर सकते हैं। अगर उससे पहले के हैं तो 2x की लेट फीस लगेगी नॉर्मल स्मॉल LLP के लिए और 4x की अदर देन स्मॉल LLP के लिए। दोस्तों एनुअल रिटर्न है फॉर्म 11 तो उसके लिए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या फिर उसके बाद का विदाउट लेट फी कर सकते हैं। उससे पहले का है तो 2x की लेट फी लगेगी, अगर स्मॉल है 4x की अदर देन स्मॉल में। ये फॉर्म अवेलेबल होंगे 1 सितंबर ऑनवर्ड एंड अप टू 30 नवंबर 2023 तक ये अवेलेबल रहेंगे। आप 1 सितंबर से 30 नवंबर के बीच में इनकी फाइलिंग कर सकते हैं।